अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली स्नैन, दिस इज कासिम क्या। तो चलें जी, अब चलने लगे हम पार्क। चलें कासिम, जैसा आ जाओ गाड़ी पे जाना है। पैदल नहीं जाना, गाड़ी पे पैदल चलते हैं यार, इसको उठाना होता ना, पैदल चलते हैं। नहीं नहीं, अरे रात पे कुछ ही देर, रात चलें जी। भाई कासिम जीत गए रॉक पेपर सीजर में, तो चलें हम चलते हैं अब गाड़ी में। दिस इज़ हुज़ैफ़ा, जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं है। अभी से जैसे ही पता चला कि मैंने मोबाइल निकाला है वीडियो के लिए, तो फौरन से इसकी देख ली, मुँह पे हाथ रख लिया इसने। तो इसका यह होता है कि पीछे आपको पता ही है यूरोप में जो है बच्चों को बेबी सीट पे बैठना पड़ता है, तो ये होता है इसका कि कहता है कि मेरे साथ जो है वो कोई बैठे। आज आपकी नहीं है साथ, तो मैं इसके साथ जो है वो पीछे बैठा हूँ इसे कंपनी देने के लिए। तो ये हैं जी हमारे कासिम भाई द ग्रेट, तो बड़े मोटिवेटेड हैं आज ट्रैक पर जो है रनिंग करने के लिए। तो कासिम भाई, क्या मोटिवेशन है आज, आप कितने ट्रैक रनिंग करेंगे? यार अभी तो एक दो दिन हुआ है मैंने स्टार्ट किया है, अभी ज़्यादा वॉक करता हूँ और एक आधा राउंड रनिंग का लगा लेता हूँ, रनिंग में नहीं मतलब जॉगिंग। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो चले, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा साथ साथ। बिकॉज मैं तो बिल्कुल भी रनिंग नहीं करूँगा, वॉक कर लूँगा आपके साथ, रनिंग नहीं करूँगा, वरना मैं इधर आके जो सेहत बनाई वो फिर वीक हो जाऊँगा। हाँ ये भी है, ये भी जिम्मेदारी आज मेरे पे ही है। ये आप देख सकते हैं कि एक अजीबो गरीब सा लिक्विड है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या लिक्विड है, तो मैं आपको भी इसी वीडियो में इसका आंसर देता हूँ। तो ये जो है, ये हुज़ैफ़ा के पास ये है डाइनो हुज़ैफ़ा का बबल शूटर, तो ये इसका लिक्विड है। इसमें इधर इधर डालते हैं, इसे इधर डाल के फिर कैसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं। तो ये जी हमारे हुज़ैफ़ा साहब जो छोटे इंजीनियर हमारे, ये आपको चला के दिखा भी रहे हैं साथ। क्या इसे पहले ओपन करते हैं ना, इसे ओपन करके फिर क्या करते हैं, इसे फिर कैसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, कैसे चला के दिखाओ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे चला के जो है वो। अब मे भी आपके माइंड में ये आए कि इधर तो अभी धूप निकली हुई है और मैंने जो है वो हुडी पहनी हुई है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ यूरोप का जो वेदर है, इसके बारे में यही भी एक फेमस सेइंग है कि देयर इज नो ट्रस्ट ऑफ 3 W's, वर्क वुमेन एंड वेदर। तो वेदर का अभी कोई ट्रस्ट नहीं है, और रातें वैसे भी ठंडी हो जाती हैं, जैसे ही अभी सूरज ग्रूब होगा आफ्टर सनसेट, तो टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। हमने हुज़ैफ़ा को अनबॉक्स कर लिया, तो अभी बस ये अब जी नहीं मेरे पास ठीक वॉलेट मिल जाएगा। तो बस अभी जिस मोमेंट हमने इसको गाड़ी से निकाला, उसके बाद हमारे ये काबू बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना हुज़ैफ़ा? नहीं आओगे ना काबू? काबू नहीं आओगे? तो ये हम पहुंच चुके हैं इधर बास्केटबॉल के ग्राउंड में। तो ये एक हमारे एक और दोस्त हैं। हाँ जी अलहम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये भी इंजीनियर हैं इधर मेरे पास, इन भाई उनके कुलीग हैं। जी नाम इमरान है और मैं पुर्तगाल में आया हूँ 17 फरवरी को, और मैं डी सी टेक वीज़ा मुझे मिला है, उस बेस पर मैं यहाँ पे आया हूँ एज ए सॉफ्ट इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो आज हम इधर बास्केटबॉल खेलेंगे, वो भी दिखाएँगे आप। एक ही ग्राउंड में दो टीम्स आ चुकी हैं, ये एक है हमारी देसी टीम, ये पाकिस्तानी सारे, और ये हैं जी क्या कह सकते हैं ब्लैक मैन। तो ये अभी बस हम इतना ही बास्केटबॉल खेल रहे हैं कि ये पोल के अंदर किसका जो है वो बॉल जाता है। तो इमरान भाई देखते हैं आप टैलेंट आपका किस हद तक कामयाब होता है। अब ये कासिम दी ग्रेट देखते हैं कि कासिम भाई जाना चाहिए वैसे। ओह नाइस, क्या। तो ये हैं जी और ब्रदर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हाँ हो गया ये भी। वाह इमरान भाई, आपकी इनकी तरह नहीं टांगों की नीचे से गेंद निकालेंगे। तो
ये अभी अली भाई ट्राई करने जा रहे हैं। या नाइस ट्राई अली भाई। नाइस। तो इमरान भाई बताइएगा कि जो स्पोर्ट्स होती हैं हमारी लाइफ में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है और ओवरऑल मतलब मेंटल ग्रोथ में फिजिकल ग्रोथ में इसका जो आपके नॉलेज के मुताबिक किस कदर जो है वो इसका अमल दखल होता है। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि अक्सर आपने ये चीज़ सुनी होगी कि फिजिकल फिट बॉडी के अंदर ना एक अच्छा माइंड होता है। तो स्पोर्ट के साथ ना सिर्फ आप बॉडी ग्रो करते हो और आपका माइंड जो है वो भी ग्रो करता है। और माइंड का एक एरिया होता है जो रिसर्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स की हैं उसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो वो जो है ना वो आप इंगेज होता है आपकी ब्रेन के अंदर पूरा ब्लड फ्लो होता है, पूरी पूरी बायोलॉजी है इसके पीछे। तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, आप बेशक किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो। आपकी जो है वो फेवरेट स्पोर्ट कौन? ये जो मेरी फेवरेट स्पोर्ट है ना क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और क्रिकेट खेलने का मौका हमें ज़्यादा मिल जाए। इधर वो छत पे खेलने गली में खेलने ग्राउंड में या प्रॉपर ग्राउंड में जाते हैं काफ़ी गिलिया दी गई। और मेरा जो फेवरेट प्लेयर जो है ना वो MS धोनी है। अब दो पाकिस्तानी प्लेयर्स मतलब जैसे वसीम अकरम होते हैं वो तो उस टाइम के हम न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, उनकी अपनी एक क्लास थी। और बॉलर्स में देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर मुझे शुएब अख्तर ज़्यादा पसंद है एज ए प्लेयर। आपको उसकी परफॉर्मेंस पसंद है या उसका एटीट्यूड पसंद है? एटीट्यूड पसंद है उसका, मतलब ना वो अपने दौर के अंदर वो चीता रहा है कि जिस तरह वो प्रेशर डालता था ना, तो टेक्निक में भी कम थी जोर भी ज़्यादा था उसका, लेकिन वो प्रेशर डाल के ना और अपने मुल्क के लिए। उधर इमरान भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? अच्छा मैं देख रहा हूँ आपका रनिंग स्टेमिना अच्छा है। इधर आके स्टार्ट किए हैं, पाकिस्तान में भी करते थे? चलें कैरी ऑन, आपका स्टेमिना ना टूटे। ओके जी कासिम भाई, तो क्या आपके हालात हैं? हाँ तो बहुत टाइट है, वजन भी ज़्यादा है तो दौड़ते हुए। चलें आप रनिंग करते रहे, आपका वेट भी लूज हो जाएगा। इमरान भाई आपका वेट तो पहले ही कम है। मेरा पहले ही कम है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा भाग दौड़ के ना बंदा एक्टिव रहता है, पसीना निकालना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पसीने का मसला होता है, पसीना उस तरह आपको नहीं होता जिस पाकिस्तान में। तो बॉडी जो है ना हाइड्रेट होती रहती है। यहाँ पर डे टाइम ये होता है कि जो हम ट्रैक के साइड पर बैठे हैं और ये है हमारे सामने का व्यू। तो इमरान भाई क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है इसको? कासिम भाई क्या कहते हैं आप? ये सामने वाला घर हमारा कैसा लगेगा? लग रहा है कि हो जाएगा, ले लेंगे इंशाल्लाह। ये जी हुज़ैफ़ा को लग गया है बॉल, तो अभी जा रहा है स्लाइड्स लेने ताकि इसका मूड जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि हुज़ैफ़ा को लगा है बॉल, वो रोने लग गया था, बस सामने भी गेम क्विट किया, अब हम भी घर जा रहे हैं। वैसे ये क्योंकि बॉलिंग वहाँ पर दो थी उसके अंदर आवाज़ भी ज़्यादा है ना, हाँ तो बहुत अच्छा होता है। था अभी हाँ लगा गेम क्विट करते हैं, चलते हैं घर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अली स्नैन साइनिंग ऑफ। ओके बाय। इसको सर पे बॉल लगा है तो उसकी वजह से इसका मूड जो है वो बस अभी रोते रोते चुप हुआ है, तो अभी हम मूड थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जो इतना खास जो है वो हैप्पी नहीं हुआ, बस वापसी के लिए हम निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि हुज़ैफ़ा को जो है वो बॉल लगा था। जैसे कासिम भाई मुझे तो अब डर लग रहा है एक बात से, यही कि हुज़ैफ़ा की मामा का क्या रिएक्शन होता है और हम जिंदा बचते हैं कि नहीं। चलो घर जाके देखते हैं फिर, अगर नेक्स्ट व्लॉग अपलोड किया तो जिंदा रहूँगा या गाजी या शहीद, दो ही हम देखते हैं। बिकॉज हुज़ैफ़ा तो मुझे भी बड़ा प्यारा है, लेकिन जो उसकी मामा है उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। चलें देखते हैं फिर अब क्या रिएक्शन आते हैं। बॉल लग गया हुज़ैफ़ा को। हुज़ैफ़ा को? हाँ। कैसे? हुज़ैफ़ा इधर मामा के पास। हुज़ैफ़ा
ज्यादा नहीं चला। यार आप लोग खेलने लगे होंगे ना, आपने उसको इग्नोर किया होगा। यार वो खुद बॉल के आगे आ रहा था बार बार। मैंने आज इसको भेजना नहीं आप लोगों के साथ। कुछ नहीं हुआ, देखो तुझे ना कोई निशान बना ना कुछ। जोर नहीं लगी मेरे बेटे को। देखो बोले जोर नहीं लगी। देखो बोले।